नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है पीओके को लेकर। जी हाँ, कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से अपना कब्जा जमा रखा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि इस वक्त भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, मानसिंह की सरकार नहीं है। आपको बता दूं कि भारत ने पीओके को लाने की तरफ बड़ा कदम बढ़ा दिया है और पूरी स्ट्रेटजी को तैयार किया है, पूरी भूमिका को तैयार किया है अजीत डोभाल ने। पीएम मोदी के मास्टरमाइंड हैं अजीत डोभाल, और अजीत डोभाल ने गेम प्लान तैयार कर दिया है। क्या है ये गेम प्लान और किस तरीके से आने वाले दिनों में पीओके में भारतीय तिरंगा लहराने वाला है, पूरी खबर आपको बताऊंगा। लेकिन कमेंट में मित्रों जय हिंद जरूर लिखें, साथ ही साथ नमो नमो लिखें। फिलहाल आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने एक बार फिर पाकिस्तान को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि इमरान सरकार पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का राग अलापना छोड़ दे, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है। आज से पहले भारत में तमाम सरकारें नहीं थी, कांग्रेस का ही शासन का रहा था, लेकिन आज तक किसी सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए जो सीधे सीधे पाकिस्तान को चुनौती देने वाले हों, जो ये पाकिस्तान को बताने वाले हों कि पाकिस्तान का पीओके नहीं है। आपने देखा होगा कि हमेशा पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता रहता था और भारत ये कहता रहता था कि कश्मीर पर अपना दावा छोड़ दो। लेकिन अब भारत ने अपनी रणनीति को चेंज किया और भारत ने अब पीओके की बात करना शुरू कर दिया है। कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे आने के बाद से भारत ने बहुमुखी विकास के आयाम छुए हैं और विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ते हुए भारतवर्ष के लिए अखंड भारतवर्ष का एजेंडा अपनी राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षाओं की सूची में इतना जल्दी आ जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन आपको बता दूं कि बदमिजाज पाकिस्तान की बदतमीजियों ने भारत को विवश कर दिया और भारत की वक्र दृष्टि अब उस तरफ पड़ने लगी है जहां पाकिस्तान का भारत के हाथों उद्धार होना तय लगने लगा है। दरअसल आपको बता दूं कि अब दूरदर्शन को हाल ही में केंद्र सरकार ने यह निर्देश दिया है कि वो पीओके के गिलगित और बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी अपनी मौसम की खबरों में शामिल करे, और दूरदर्शन ने ऐसा शुरू भी कर दिया है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के फैसले ने पाकिस्तान को भारत की बदली रणनीति के अहम संकेत दे दिए हैं। इसके साथ ही भारत ने पीओके पर पाकिस्तान के हितैषी देशों को भी कड़ा संदेश दिया है कि पीओके हमारा हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। इससे पहले मित्रों आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में ये ऐलान कर चुके हैं कि कश्मीर का मतलब हमारा पीओके से भी है और जो हमारा जो हिस्सा है वो तो है ही। इसके साथ ही कश्मीर का मतलब जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो पीओके से भी हमारा मतलब होता है। और राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं वो ये साफ कर चुके हैं कि पीओके के लिए जान लगा देंगे। खुद अमित शाह ये कह चुके हैं कि पीओके के लिए हम जान लगा देंगे। और अब जिस तरीके से मोदी सरकार कदम बढ़ा रही है वो वाकई में पाकिस्तान के लिए होश उड़ा देने वाले हैं। आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले से जुड़े हुए लोगों का यह कहना है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला कैसे लिया। दरअसल आपको बता दूं कि पहले वेदर रिपोर्ट आती है, मौसम विभाग की रिपोर्ट आती है और उसमें गिलगित और बाल्टिस्तान का मौसम बताया जाता है। उसके बाद दूरदर्शन को यह आदेश दिया जाता है कि आप जब मौसम की जानकारी दें तो उसमें बाल्टिस्तान, गिलगित और पीओके का मौसम भी बताएं, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है। यह एक बड़ी बड़ी रणनीति के तहत किया गया। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने यह फैसला कैसे लिया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या संदेश देना चाहते हैं पाकिस्तान को, वो बड़ी चीज है। तो सरकार के एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक ये आइडिया एनएसए अजीत डोभाल का था, जिसे उन्होंने कुछ समय पहले दिया था और औपचारिक प्रस्ताव 3 महीने पहले तैयार किया गया इस पूरी रणनीति का। इस प्रस्ताव को 3 फरवरी 2020 को डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी स्ट्रेटजिक अफेयर्स राजेंद्र खन्ना के ऑफिस से विदेश और गृह मंत्रालय के सचिवालय, भारत के दो प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसियों और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को भेजा गया था यह पूरा प्रस्ताव। इन सभी संस्थाओं ने पिछले सप्ताह ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है और अधिकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव को रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा था कि भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को कई कड़े संदेश जाएंगे। मामले से जुड़े हुए अधिकारी का यह कहना है कि यह फैसला पीओके और उत्तरी कश्मीर के क्षेत्रों को लेकर भारत के बदले दृष्टिकोण को दर्शाता है।
इसके साथ ही पाकिस्तान के हितैषी देशों को भी एक कड़ा संदेश है और भारत ने अब डंके की चोट पर यह बता दिया है कि इस्लामाबाद ने जम्मू कश्मीर के 86,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है और दूरदर्शन से वो वेदर मैप इस्तेमाल करने को कहा गया है जिसमें जम्मू कश्मीर के संपूर्ण क्षेत्र को दर्शाया गया है। तो अब दूरदर्शन से कह दिया गया है कि जिसमें जम्मू कश्मीर का संपूर्ण क्षेत्र उस वेदर मैप का यूज कीजिए और आप पीओके का भी हाल बताइए। दरअसल आपको बता दूं कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके मूल कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। पाकिस्तान ने भारत के इस क्षेत्र को भारत और पाकिस्तान के बीच का विवादित क्षेत्र बना रखा है। इसे आजाद कश्मीर नाम दे दिया है पाकिस्तान ने और पीओके की सीमाएं आपको बता दूं पाकिस्तानी पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत से पश्चिम में उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के बाखान गलियारे से और चीन के जिंजियांग उइगूर स्वायत्त क्षेत्र से उत्तर और भारतीय कश्मीर से पूर्व में लगती हैं। ये इसकी सीमाएं हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 40 लाख लोगों की जनसंख्या वाले क्षेत्र को विवादित बनाए रखने की विषैली नीयत से इसे पाक प्रचारित कश्मीर के रूप में रेखांकित किया है। आपको बता दूं कि अब गिलगित और बाल्टिस्तान क्या है, पाक कब्जे का जो कश्मीर है वहां पर पूर्व के बहुत बड़े कश्मीरी क्षेत्र में पूर्वी कश्मीर राज्य के भाग होने के साथ ही ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी है और जिसे उठाकर पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दे दिया था। चीन को दिए गए कश्मीर का जो तोहफे वाला जो क्षेत्र है उसके चारों तरफ फैले विशाल कश्मीर क्षेत्र को उत्तरी क्षेत्र का नाम दिया जाता है और इसे भी पाकिस्तान ने कब्जा लिया था। 9 जिलों वाला लगभग 73,000 किलोमीटर क्षेत्रफल के इस मूल कश्मीरी क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 10 लाख है और इस मुद्दे पर पाकिस्तान और भारत के बीच में 1947 में युद्ध भी हुआ था। तो ये है पीओके जिस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा रखा है। लेकिन आपको बता दूं कि अब जिस तरीके से अजीत डोभाल ने जो रणनीति बनाई है और रणनीति के तहत दूरदर्शन अब पीओके का हाल बताएगा, मौसम का, गिलगित बाल्टिस्तान का मौसम भी बताएगा, तो भारत सरकार ने पीओके में रह रहे लोगों को भी पाकिस्तान की असलियत दिखाने का फैसला किया है और लिहाजा ये दूरदर्शन वाला फैसला लिया गया है। आपको बता दूं कि अधिकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के संपूर्ण क्षेत्र को दर्शाए गए नक्शे से भारत सरकार पीओके की जनता को जागरूक करना चाहती है। दूरदर्शन पर वेदर अपडेट के दौरान भारत का नक्शा पीओके और अन्य क्षेत्रों में रह रहे लोगों की दुर्दशा को दुनिया के सामने लाएगा कि इस्लामाबाद किस तरीके से उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। इसके साथ ही भारत के इस फैसले से अंग्रेजों को भी कड़ा संदेश जाने वाला है। मोदी सरकार के इस फैसले से अंग्रेजों को भी कड़ा संदेश जाएगा जिन्होंने हम पर राज किया था। ब्रिटेन के राजनीतिक प्रतिष्ठान को भी यह संदेश पहुंचेगा कि वो किसी का पक्ष न ले। आपने देखा होगा कि हाल में धारा 370 हटी थी तो लंदन में बवाल काट दिया गया था, लंदन में काफी लोग सड़कों पर उतरे थे। दरअसल आपको बता दूं कि लंदन में पाकिस्तानी मूल के लोग काफी ज्यादा रहते हैं जो कि मीरपुर से हैं और शांतिप्रिय समुदाय की जो तादाद है लंदन में वो काफी ज्यादा है, तो इस वजह से ही लंदन में हंगामा ये करते रहते हैं। तो इस फैसले से लंदन को भी कड़ा संदेश जाएगा और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म। आपको बता दूं कि ब्रिटेन की जिस पार्टी ने हंगामा किया था लंदन में तो उस पार्टी को अब यह सीधा संदेश जाएगा कि भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है और पीओके भारत का ही हिस्सा है। आपको बता दूं कि अधिकारी का कहना यह है कि इससे पाकिस्तान को भी यह संदेश जाएगा कि यह मेरा क्षेत्र है और मैं सभी कदम उठाकर अपनी संप्रभुता का हक जता रहा हूं। केंद्र सरकार ने इस मामले में दूरदर्शन को इस सप्ताह निर्देश दिया है कि वो पीओके के मीरपुर, मुजफ्फराबाद और उत्तरी इलाके गिलगित को भी अपने मौसम की खबरों में शामिल करें। और आपको बता दूं कि तमाम दूरदर्शन ने तो ये पहल शुरू कर ही दी है, साथ ही साथ सरकार के इस फैसले के बाद कुछ समाचार चैनल भी आगे आए हैं और उन्होंने भी अपने वेदर बुलेटिन में बदलाव करते हुए इन क्षेत्रों को शामिल करने की बात कही है। तो आने वाले दिनों में आपको हो सकता है कि तमाम जो समाचार चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उनमें वेदर अपडेट जब आप सुनेंगे तो उनमें पीओके का हाल भी आपको बताया जाए। तो ये एक इशारा है पाकिस्तान के लिए और ये एक इशारा है कि पीओके बहुत जल्द भारत में शामिल होने वाला है और पीओके पर बहुत जल्द भारतीय तिरंगा लहराने वाला है। अब वो दौर चला गया जब
पाकिस्तान कश्मीर की बात करता था। अब हम बात करते हैं पीओके की, और आपको बता दूं कि पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा बनने वाला है। भारत का हिस्सा तो है ही, तिरंगा लहराने वाला है, जिस हिस्से पर कब्जा जमा रखा है। पाकिस्तान को वहां से खदेड़ दिया जाएगा और पीओके में तिरंगा लहराएगा। तो मित्रों इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है हॉकफीड न्यूज, हॉकफीड न्यूज को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।